अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निज़ामानी व्लॉग्स। दोस्तों आज हमारे गांव बाका निज़ामानी में जो है एआर वाले न्यूज़ वाले आए हैं फुटबॉल के ग्राउंड पे, तो इस वक्त मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो ये रहा सामने है फुटबॉल का ग्राउंड और मैं अभी पहुँचने वाला हूँ। तो अभी शायद शूटिंग शुरू नहीं हुई है। बस हमारे पास कोई गेंद ही नहीं थी तो यहाँ पर ये लोग खेलते थे फुटबॉल। हमारे सर ने हमें बोला वो हमें हम आपको सिखाएंगे, तो फिर हम यहाँ पर आए थे। हमने बहुत अच्छा खेला। हम जाते हैं कराची भी खेलने गए थे और हैदराबाद भी गए थे। अभी 18 तारीख को हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो वहीं पर हमारा मैच है, तो इसलिए हमें तो शौक। ये बताइए कि ये जो बाकर गाँव है, इस गाँव में कितने भी जो बच्चे आज यहाँ पर इस खेल में शामिल हुए हैं? तकरीबन पहले 50 आते थे, अभी ये कम से कम 35 हो गए। तो काफ़ी बच्चे जो है चले गए थे कि उनका शौक ही नहीं था, क्योंकि हमारा शौक है तो हम यहाँ पर आते हैं, रोजाना खेलते हैं। अच्छा, और जो है सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, आप जो है किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, 10th क्लास। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो बाकर निज़ामानी का गांव है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे हैं जो आज के दिन में मलबूस है, तो ये किसी को शौक हुआ कि फुटबॉल ही खेल जाए? हमारे गांव से शुरू से ही फुटबॉल खेली जाती थी, तो इसीलिए सारे आए। अच्छा, तो इस वक्त बच्चों की क्या तादाद है जो इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है? 30-35 होगी। ठीक है जी, तो ये कब से आप जो है इस गाँव में यहाँ पर खेल रहे हैं फुटबॉल? हमें तो 7-8 मंथ हो गए। 7-8 मंथ हो गए। तो कहाँ कहाँ पर आपने मुकाबलों में हिस्सा लिया है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में आप खेल खेलने गए? हम अभी तो हैदराबाद कराची गए हैं। ठीक है, अभी 18 दिसंबर को हम इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये जो मतलब क्रिकेट में मलबूस, तो ये अपने पैसों से लेते हैं या कोई सपोर्ट करता है कि जी हम आपको फुटबॉल का सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं? हमने पैसों से भी लिया है सारा कुछ। अच्छा, और उम्र एजेस जो मतलब उनकी बताएं कि क्या उम्र है ये बच्चे जो छोटी छोटी उम्र के और बड़े प्लेयर नज़र आते हैं, तो कितनी उम्र होगी इनकी? 6 साल के भी आते हैं, 10 साल के भी आते हैं, कोई 13-14 साल के भी। अच्छा, तो मतलब अब मजीद क्या है आपकी प्लानिंग मुस्तकबिल में, क्या फुटबॉल प्लेयर ही बनेंगे या कुछ और भी तालीमी मैदान में? इंशाल्लाह। अच्छा, फुटबॉल प्लेयर बनेंगे। सात साल के हैं, 9 साल के और बड़े से बड़ा वो भी 11 साल। मतलब मुझे ये बताइए कि आप सब जो है ये फुटबॉल ही सारा दिन खेलते हैं या एजुकेशन भी है? इनकी ये एजुकेशन भी है, ये सब लोग पढ़ते हैं माशाल्लाह। अच्छा। हमारे अपने पैसों से भी किटें ली हुई हैं, वो घर पे नहीं, ये हमको ये मिली है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि मतलब इस गांव के अलावा और कहां कहां आप मैच खेलने गए? गांव के अलावा हम माशाल्लाह कराची भी गए और हैदराबाद भी गए, वहां से जीत के आए और माशाल्लाह। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। इम्तियाज, ये हम देख रहे हैं कि बाकर निज़ामानी में ये जो मतलब यहां पर प्लेयर्स होते पड़े हैं, तो ये कौन सी गेम खेलते हैं? ये बस फुटबॉल ही खेलते हैं, सुबह को स्कूल जाते हैं फिर शाम को आते हैं फुटबॉल खेलने। तो कितने प्लेयर्स हैं यहाँ फुटबॉल में? हमारी एकेडमी में अभी 35-40 प्लेयर हैं, सारे बच्चे 14-15 साल के। तो मतलब क्या ज़बरदस्ती आप लाए फुटबॉल प्लेयर बनाए? नहीं नहीं, ये इनका अपना शौक है, ये अपने शौक से आते हैं, सुबह पढ़ के फिर शाम को इधर आते हैं, और हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर राजू ने हमारी है, वहाँ से भी आते हैं लड़के शौक से। तो मतलब इनको दूसरे कोई खेल का शौक नहीं हुआ फुटबॉल का, ये आपने इनसे पूछा? नहीं, इनको हमारे पास ग्राउंड भी अच्छा है ना, तो इसीलिए इनको फुटबॉल का शौक है। अच्छा, और कोई गेम नहीं? तो ये बच्चे मतलब मुकाबले जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर गए? ये कराची भी गए और हैदराबाद भी गए, इंशाल्लाह 18 दिसंबर को इस्लामाबाद भी जाएंगे। अच्छा, इनकी जो है मतलब उम्र के हिसाब से बहुत छोटी उम्र है इनकी, तो उम्र दूसरे खेल खेलने की इनको इतनी मुश्किल गेम में आपने अभी से लगा दिया? नहीं, इनको अभी 6-7 माह हो गए, अभी ये बहुत अच्छे हो गए, पहले तो इनको बहुत कुछ भी नहीं आता था। तो इनको सिखाता कौन है, मतलब कोच कौन है, कहाँ से ये आते हैं, कैसे गेम के रूल्स इनको पता है? ये हमारा कोच उसामा है और इनको
सारे रूल्स अभी पता है, रनिंग वगैरह, स्टिचिंग वगैरह। ज़्यादा फुटबॉल पे मेहनत है, वैसे क्रिकेट का ग्राउंड, क्रिकेट की भी जो प्लेयर हैं यहाँ पर, मगर ज़्यादातर ये बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो फुटबॉल पे, वो इसलिए कि ये देखते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल में पाकिस्तान की टीम आगे नहीं आ रही, क्वालिफाई नहीं कर रही, तो इन बच्चों की यही मेहनत है कि हम अपने जो है ना पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जाएँ, वर्ल्ड कप तक लेके जाएँ। और ग्राउंड के हवाले से हमारे यहाँ मुश्किल ये हुई कि सबसे पहले आज से तो मेरे ख्याल में 6-7 साल पहले ग्राउंड एक हमारे पास था, तो वहाँ पर फ्लडिंग हो गई और उसके बाद हमने दूसरा ग्राउंड लड़कों ने बनाया मेहनत करके, 2-3 साल वहाँ पर भी खेले, वहाँ पर भी फ्लडिंग हो गई। अभी ये रिसेंटली ये ग्राउंड जो हमारे पास है इसके ऊपर भी बहुत मेहनत की लड़कों ने, और सारी मेहनत सब खुद ही करते हैं, ऐसा ना हो कि हम कोई मजदूर वगैरह रख लें, नहीं, सारे मुकाबलों में तो उन्होंने बदीन डिस्ट्रिक्ट से खेले ही है और ये अपना सिटी टंडो जाम से भी खेले, तो अभी भी इनकी जो है शूटिंग जारी है, तो ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी जो है शूटिंग ख़त्म हो, हम गेम खेलें, इनको शदीद इंतज़ार है गेम का, ये शूटिंग हो रही है।